हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉल ट्रेड चैनल में। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो रही है, यानी कि अभी बुल रन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हम देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे ऑड कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया भी है। फॉर एग्जांपल FTT कॉइन ने दिया है, या फिर डेक्स बेस्ड कॉइन जैसे कि यूनिस्वैप का कॉइन है यूनी, तो उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। एक कॉइन ने अच्छा प्रॉफिट दिया है, स्टेप एंड GMT मीना कॉइन, तो बहुत से ऐसे ऑड कॉइन्स हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रॉफिट दे दिया है इन दिनों के अंदर। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे ऑड कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया है, और ऑड कॉइन्स में से एक अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी चूज करें तो वो है मीम कॉइन्स। कुछ ऐसे मीम कॉइन्स आपको बताने वाला हूँ जो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो एक्टिविटी है अभी और भी ज़्यादा दिखनी शुरू हो चुकी है। तो वीडियो में आपको 3 ऑड कॉइन्स बताने वाला हूँ विद सम रीजंस कि ये कैसे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, कि फंडामेंटली कैसे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देख रहे ना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉज कॉइन के ऊपर। मीम कॉइन्स में से एक अगर हम सबसे ऊपर कॉइन की बात करें जहां से मीम कॉइन्स का जो शुरुआत हुई थी वो है डॉज कॉइन। तो डॉज हम देख पा रहे हैं कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, बहुत लंबे समय से कोई बड़ा प्रॉफिट हमें नहीं दिखने को मिला है, लेकिन इसके होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। होल्डर्स ज्यादा होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप हमेशा 8th, 9th, 10th के आसपास रहती है। तो अभी जो सबसे बड़ी अपडेट है जो 16 नवंबर को आई थी वो आज तक की सबसे बड़ी अपडेट है, चाहे किसी भी कॉइन के साथ आप कंपेयर करके देख सकते हो कि फिजिकल डॉज कॉइन को मून पर ले जाया जाएगा, जो कि ले जाया जाएगा DHL मून बॉक्स में, और ये एक रॉकेट जाने वाला है 12वें महीने की 23 तारीख को 2023 को, यानी कि क्रिसमस से 2 दिन पहले इस रॉकेट को भेजा जाएगा, और इसी रॉकेट में डॉज कॉइन जाने वाला है, यानी कि रियल फिजिकल डॉज कॉइन मून पर जाने वाला है। तो एक्चुअल में एस्ट्रोबॉटिक ने खुद ने ये एक ट्वीट किया था कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने एक मून मेल भी बनाया हुआ है कि मून मेल रिजर्वेशन करी गई है जिसमें फिजिकल डॉज कॉइन को ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी ही बहुत बड़ी बात है, इससे क्या कि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है डॉज कॉइन की, खासकर कि डॉज कॉइन की वैल्यू अभी हमें दिसंबर महीने के अंदर बहुत अच्छी दिखेगी। तो नवंबर मंथ ऑलरेडी एंड होने को आ गया है, तो दिसंबर में वैसे भी हमें काफ़ी सारे ऑड कॉइन्स में अच्छा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मीम कॉइन्स की बात करें तो डॉज हमें बहुत अच्छी एक यहाँ पे वैल्यू देने वाला है। दूसरा रीजन जो है वो है कि इसकी जो एक्टिविटीज इसलिए बढ़ रही हैं कि इसके ऊपर अभी डैप्स बिल्ड किए जाए। डॉज कॉइन का जो एनवायरनमेंट है धीरे धीरे और भी ज्यादा फ्रेंडली होता जा रहा है डेवलपर्स के लिए, कि इसके ऊपर और भी ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे, इनकी ब्लॉकचेन को यूज किया जाएगा। तो यही कारण है कि आप डॉज कॉइन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा साथ के साथ टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम के ऊपर भी हमेशा जुड़े रहना। अब इसी के साथ साथ एक ऐसा कॉइन है जो है बेबी डॉज, यानी कि डॉज से भी बना हुआ बेबी डॉज। तो इस कॉइन ने भी बहुत बड़ा नाम कमा लिया पूरी मार्केट में। आप देख सकते हैं कि लगातार ये NFTs के ऊपर काम कर रहे थे, अभी इन्होंने क्या किया है AI के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। बेबी डॉज AI के नाम से इन्होंने बनाया, जो कि babydogswap.com के ऊपर है। यहाँ पे क्या कि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, 1500 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, और आपको यहां पे इमेज मिल जाएगी जो कि AI जनरेटेड इमेज होने वाली है। तो इनके अगर हम रेगुलर ट्वीट्स देखते हैं तो डेली के जो ट्वीट्स इनके रहते हैं उसके ऊपर AI बेस्ड, जो कि बेबी डॉज AI बेस्ड इमेजेस रहती हैं, सारे के सारी AI के द्वारा ही बनाई गई होती हैं। यानी कि यहाँ पे इन्होंने NFTs और मेटावर्स के ऊपर तो काम किया ही किया है, इसी के साथ इन्होंने AI के ऊपर भी काम किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज है। अब इसी के साथ एक और अच्छी अपडेट ये है कि बेबी डॉज अगर हम ट्रांसफर करते हैं इथेरियम के ऊपर तो इसकी 0% ट्रांसफर फी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने खुद ट्वीट भी किया है और हम यहाँ पे डेक्स टूल के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 0% है, जिसकी वजह से इथेरियम के ऊपर बहुत कम ऐसे कॉइन्स हैं जिनको ट्रांजेक्ट किया जा सकता है। तो उनमें से एक बेबी डॉज भी होने वाला है जिसकी ट्रांजेक्शन्स इथेरियम के ऊपर होने वाली है, यानी कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली है। तो यहाँ पे अगेन मैं बेबी डॉज को लेकर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला, लेकिन आपको बताने वाला वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मीम कॉइन्स में से एक बेबी डॉज होने वाला है, क्योंकि अभी कंपटीशन ही ऐसा कुछ चल रहा है डॉज बेबी डॉज, इसके साथ फ्लॉकी इनू है, शिबा इनू है, मीम लैंड का मीम कॉइन है, तो ये सारे के सारे एक से एक बढ़कर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे क्या कि इनके एक्सेप्टेंस धीरे धीरे ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। अब एक्सेप्टेंस से याद मुझे आ रहा है कि एक और ऐसा कॉइन है जो आप सभी शायद वेट कर रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, वो है शिबा इनू। तो तीसरा कॉइन हम जो कवर करने वाले हैं वो है शिबा इनू। तो शिबा इनू को लेकर मैंने बहुत समय से अपडेट नहीं डाली है, लेकिन शिबा की जो लेटेस्ट अपडेट मैंने डाली थी, मोस्ट रिसेंट डाली थी, वो थी कि शिबेरियम का 2.0 आना। शिबेरियम 2.0 मोस्ट प्रोबेबली हमें 2024 से पहले पहले देखने को मिल भी सकता है।
तो अगर आप नहीं जानते तो शिबेरियम जब 1.0 आया था, शिबेरियम का सबसे पहला जो वर्जन आया था, फाइनल जो वर्जन आया था, तो उस वक्त शिबा में सबसे बड़ा पंप हमें देखने को मिला था। एंड सिमिलरली अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो शिबेरियम 2.0 के ऊपर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ही जल्द हमें क्या है कि दो और कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल सप्लाई वाला टोकन जो होने वाला है वो ट्रीट के नाम से, और दूसरा है शाई टोकन SHI के नाम से, जो इसका खुद का स्टेबल कॉइन होने वाला है, यानी कि शिबा के इकोसिस्टम का खुद का स्टेबल कॉइन होने वाला है। तो इसके बाद क्या है कि हो सकता है कि जितनी भी शिबा आर्मी है वो जो पहले USDT को यूज़ कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए या फिर स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करने के लिए, ट्रांजेक्ट करने के लिए, वो आने वाले समय में शाई को यूज़ करने वाले हैं। और जैसे जैसे समय पास होता जा रहा है शिबा का जो बर्न रेट है वो भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 40% से भी ज़्यादा इसका जो बर्न रेट है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है लगातार। अभी तक अगर हम बात करें तो 410 ट्रिलियन से भी ज़्यादा शिबा टोकन्स को बर्न कर दिया गया है, और ये बर्न कभी रुका नहीं है, लगातार बर्न चलता रहता है। बस इतना कि इसकी स्पीड कभी कम करी जाती है, कभी ज़्यादा करी जाती है। और अभी जो पिछले कुछ हफ्तों से शिबेरियम के टेस्टनेट की बात करी जा रही है, तो एक्चुअल में बहुत लंबे समय से जो शिबेरियम का टेस्टनेट है इसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। अभी 400,000 से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसके ऊपर हुई हैं, क्योंकि वैसे भी जो क्रिप्टो में ऑल ओवर मार्केट एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो यही कारण है कि मैं बार बार शिबेरियम का 2.0 का नाम ले रहा हूँ कि वो बहुत जल्द आएगा और बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है शिबा के प्राइस के ऊपर। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर इन्होंने 100 मिलियन से भी ज़्यादा शिप को रिमूव किया या फिर बर्न किया, हम दोनों बोल सकते हैं। तो इस तरीके से शिबा की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही गोल टिका हुआ है कि शिबा को $1 तक देखना, जो कि एक्चुअल में 2030 से लेकर 2040 तक होने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम एक दो साल में इसको देख पाएंगे, $1 देखने में हमें कुछ साल और लग सकते हैं, पूरा एक डेकेड लग सकता है कम से कम। लेकिन अगर हम 1 सेंट की बात करें तो 1 सेंट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होने वाला है, जैसे शिबेरियम का नया जो अपडेट आएगा, इसी के साथ जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोटोकॉल होने वाला है इसके ऊपर कई सारी नई एप्लीकेशंस आने वाली हैं, और जितनी भी नई एप्लीकेशंस आएंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, इसके ऊपर जो यूज़र्स की एक्टिविटीज़ है वो बढ़ने वाली, यूज़र्स इसके ऊपर और भी ज़्यादा आने वाले शिबेरियम के ऊपर, जिस कारण डेफिनेटली शिबा का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यही है कि सबसे बड़ा हमें रीज़न दिखने वाला है जिससे क्या है कि शिबा की वैल्यू 1 सेंट तक पहुंच सकती है। लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूं, $1 देखना वो हमें कम से कम 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो प्राइस चल रहा है इसको अगर हम 1 सेंट तक ले जाना चाहते हैं उसके लिए भी लगभग 1,20,000% का इंक्रीज अगर आएगा, इतने परसेंट का इंक्रीज आएगा तभी जाके इसकी वैल्यू 1 सेंट तक पहुंचेगी। तो इतनी ज़्यादा जीरोस का कम होना, कम से कम 4 जीरोस और कम होंगी तब जाके 1 सेंट आएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी और वेट करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ज़रूर है आने वाले सालों के अंदर, हो सकता है 2024 में भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा अपडेट हम देख पा रहे हैं वो है ETFs का। अगर ETFs एक भी ETF अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली BTC तो $50,000-60,000 तक जाने वाले हैं। उसी के साथ मीम कॉइन्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उसकी जो वैल्यू है सारे के सारे मीम कॉइन्स की बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो मार्केट में एक बार फिर से बहुत बड़ा बवाल आने वाला है, यही मेरा मानना है। लेकिन आपका क्या मानना है, और आपको किसी और मीम कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वरना टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट डालने वाला हूं मीम कॉइन्स को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।